होन चुदी हुई है भाई लाइव की। बताओ, एक बड़वे ने ये स्काई महाजन का आईडी बना है। बहनचोद मतलब बताओ भाई, इन लोगों को खुद को खुद के नाम की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। लोगों का आईडी बनाते हैं ये लोग, चलो शर्म कर लो। अरे भाई ये लाइव में प्रॉब्लम है यार, क्या करूं बताओ। चलो ये एक ही रिक्वेस्ट आई है पिंकू पिंकू। हेलो सामने आ भाई। हेलो मनोज जी भैया, कैसे हो? ए पिंकू सामने आ। ना मैं सामने नहीं आती साले, लड़कियों के आवाज में बात करने की नाकामयाब कोशिश मत कर। मैं तो लोका है, वो लोका है। मैं तो लोका हूँ। हाँ तो सामने आ जा भाई। नो मैं थमने ना हूं, मोजी गोल पत्ती। मेरी पीतोंगो तुम पीतोंगो मेरे को। पननी भैया कहां से आ रहे तू? मैं आनंद में तो हूं, तमाली कहां से? गांव माची आनंद नडियाद। नडियाद? अच्छा अच्छा नडियाद से। हाँ तो तू सामने क्यों नहीं आ रहा? लेकिन नहीं नहीं सामने नहीं आता। अच्छा अच्छा, मतलब तू एक्टिंग कर रहा है ये या तू सही में ही ऐसा है? मैं सही में ऐसा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा हाँ। लग रहा है कि तेरी माँ ने तुझे पोलियो के सारे टीके पिलाए। गाली मत दे, गाली ना दे, मजा नहीं आएगी। अरे मैंने तो ये बोला कि तेरी माँ ने पोलियो के सारे डोज तुझे दिए नहीं होंगे। पोलियो में तो 12 डोज होते हैं, तेरे को कितने डोज मिले? 4 या 5? अरे मुझे तो 12 के 12 मिले, इसीलिए मैं हट्टा कट्टा मर्द हूँ। मैं तेरे जैसा हिजड़ा थोड़ी हूँ। तो 12 डोज के नाम बता दे, मैं मानता हूँ, तो मेरा मुंह भी दिखा दो। चल तो मैं तो छोटा था ना, मैं तो बेबी था, मुझे क्या पता 12 डोज के नाम क्या हो गए। तो क्यों बोलता है 12 डोज दिए? मेरे को तो सब डोज के नाम पता है, 12 डोजों के नाम तो सेम ही होते हैं। इतना भी पता नहीं तेरे को, अभी क्या बोलू? हाँ तो अब तू अब आ गया ना अपनी औकात में, चल अब सामने आ जा। पोलियो किसको बोलते है? पोलियो का एक ही डोज तो 12 बार मिलता है, जिससे तेरे को पोलियो हुआ है। नहीं नहीं सही बात है तेरी, चल अब सामने आ जा तो मजा आएगा बात करने में। नहीं मजा नहीं आएगा, अभी मैं जाता हूँ, तुम बात करो, कंटिन्यू करो तुम, मैं नीचे से देखता हूँ टट्टा बन के तुम्हारा। तो बस इतना बोलने के लिए आया था? नहीं ऐसा ही आया था, मेरे को क्या पता तुम्हें ऐड कर दी मेरे को। चल ठीक है ओके, अब नीचे टट्टों की तरह झूल जा। ओके बाय बाय टाटा, लव यू। बहनचोद कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में। मतलब मतलब
हद हो गई है इजड़ेपन की। लोग मर्द बनने की कोशिश करते हैं दुनिया में, आजकल लोगों को हिजड़ा बनना पसंद है बहन चोद। देखो यार, मतलब तुम लोग कहीं ना कहीं मेरे से इतने साल से तुम लोग जुड़े हुए हो, तो मैं पिछले 10-15 दिन से, मतलब यूं समझ लो कि 20-25 एक वन मंथ से समझ लो, एक महीने से भाई, एक महीने से मैं बहुत परेशान हूं। और मैं ये चाहता हूं कि भाई वो मेरी जो परेशानी है, मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा गुप्तगु करूं, क्योंकि यार परेशानी ऐसी है भाई। देखो परेशानी सुन के ना माधरचोद, तुम लोग भाई सीरियस, मैं कोई बकचोदी नहीं है, ये बहुत परेशान हूं मैं एक मन से। तो परेशानी ये है यार कि भाई मैं हो गया 37 ईयर का, ठीक है। अब ना तो मेरी कोई बहन है, ना तो मेरा कोई सगा भाई है, मैं अकेला ही हूं। अब यार घर वाले ये चाहते थे कि भाई मेरा सादा हो जाए भाई, मैं जिंदगी में सेटल हो जाऊं। कब तक मैं बेंचो जैसे, मतलब आवारा कुत्तों की तरह मैं बेंचो डोलता रहूंगा, घूमता रहूंगा, आखिर कब तक मैं ऐसे ही मतलब बैचलर लाइफ जीऊंगा। वही बहन चो दारू पीना, जुआ खेलना, बहन चो रंडीबाजी करना, बहन चो लड़कियों को पकड़ दो और चोट के भूल जाओ। तो मतलब मेरी माँ जो है वो मेरे लिए बहुत फिकर कर रही है। उसने मतलब एक फैमिली से बात की थी, वो लोग यहाँ अमेरिका में ही रहते हैं। अब वो जो लड़की है ना, वो लड़की मतलब गुजराती कम्युनिटी से ही है, वो लड़की यहाँ पे पैदा हुई है, उसको सही से गुजराती बोलना भी नहीं आता। मतलब बोल लेती है सारी चीजें अच्छे से, समझ भी लेती है, लेकिन उसका मतलब समझ सामने वाले को समझ में आ जाता है कि भाई ये प्रॉपर गुजराती मतलब वो एक्सेंट नहीं है। लड़की भी अच्छी है यार, वो लड़की डॉक्टर है। वो लड़की को मैं 3-4 बार मिला और उसको मैंने सब कुछ बता दिया मेरे बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, कि भाई देखो मैं ऐसे मतलब बकचोदिया करता हूँ ये वो। लड़की खूबसूरत है भाई देखने में, अच्छे पैसे कमाती है, सारी चीजें है, उसका फैमिली भी अच्छा है। अब लड़की जो है उसकी एक कंडीशन है, लड़की की कंडीशन ये है, लड़की ये चाहती है कि अभी वो है मतलब 32 इयर्स की, समझ लो 31-32 की। उसको तो मैंने ये पूछा, मैंने बोला यार तुम्हारे भी बहुत सारे रिश्ते आए होंगे, बहुत सारे मतलब तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें लड़के दिखाए होंगे, तो मैंने बोला भाई तुम एक अच्छी प्रोफेशनल जॉब में हो, मतलब डॉक्टर की बहुत वैल्यू होती है भाई अमेरिका में, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है यहाँ पे डॉक्टरों की। मैंने बोला भाई तुम अच्छे खासे पैसे कमाती हो, तो तुम्हें भी लड़का कोई इंजीनियर या तो कोई फार्मासिस्ट या तो तुम्हें भी कोई डॉक्टर लड़का इजीली मिल जाएगा।
तो उसने मुझे बोला कि ऐसा नहीं है कि भाई लड़के मुझे मिल नहीं रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि लड़कों के साथ मैंने हम लोगों ने बातें नहीं चलाई। मतलब बहुत बार बहुत सारे लड़कों को मैं मिली, उनकी फैमिली से मिली, लेकिन जब लड़का मेरी कंडीशन सुनता है ना, तो वो लोग मतलब लड़का पीछे हट जाता है। ठीक है, अब भाई जो लड़की है उसकी कंडीशन ये है कि उसकी, भाई देखो हर एक की सोच होती है, ठीक है, हर एक का सोचना, हर एक इंसान अलग होता है, हर एक एक इंसान की फीलिंग्स अलग होती है, और हर एक इंसान का सोचने का तरीका भी अलग होता है। उसने मुझे ये बोला कि भाई मैं अभी तक है ना, मैं अभी तक मेरे पूरे इतने सालों में जब से मैं पैदा हुई अभी तक है ना, मैं वर्जिन हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको पूछा कि क्यों भाई ऐसा। तो उसने मुझे ये बोला कि भाई मुझे ऐसा है मेरी खुद की बॉडी के लिए कि भाई आई रिस्पेक्ट माई बॉडी अ लॉट। और वो डॉक्टर है, मतलब वो ऑपरेशन ऑपरेशन ये वो सारी चीजें। तो उसने मुझे ये बोला कि भाई बॉडी के अंदर तो सिर्फ हड्डियां और मांस ही है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है अंदर, सबका एक जैसा ही है। तो उसने मुझे ये बोला कि भाई मुझे ये सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी कंडीशन ये है कि जिंदगी भर तक मैं उसको मतलब उसके करीब ना जाऊं। मैं करीब इन द सेंस के भाई नॉर्मली तुम हग करो ये वो वहां तक ठीक है, लेकिन नो चुदाई कुछ भी नहीं, नो रोमांस कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके सामने उस लड़की ने मुझे ये बोला है कि भाई अगर तुम्हें तुम्हें सेक्सुअल नीड्स है तो तुम घर पे लाके लड़की को मेरे सामने चोट सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझसे कोई छुपाना नहीं है, चुदाई मचानी है तो मेरे सामने मचाओ, मतलब मैं देखूंगी और मैं तुम्हें गाइड करूंगी, क्योंकि वो डॉक्टर है। तो उसने मुझे ये बोला कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी कि कैसे कैसे चोदना है, लेकिन मेरे सामने। हेलो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी, मतलब मुझे नहीं, किसी जो भी बंदा मतलब उसको उसकी ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करेगा उसके साथ वो सादा मनाएगी। और दूसरी कंडीशन उसकी ये है कि उसने भाई बहुत मेहनत करके अपना मतलब पूरा हाउस उसने मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 मिलियन का उसका हाउस है। तो उसकी ये कंडीशन है कि जिसके साथ भी उसकी शादी होगी ना, वो लड़के को उसके घर पे रहना होगा। तुम अपने और से बिजनेस बिजनेस सारी चीजें तुम कर सकते हो, लेकिन घर घर में उसके घर पे रहना पड़ेगा। थैंक्स। थैंक्स, हैव गुड डे। और उसने मतलब ये भी बोला कि भाई जो एक इंडियन तौर तरीका होता है भाई, वो खाना बनाना ये वो इंडियन कल्चर में उसको सब आता है। उसने बोला कि भाई खाना बनाना ये वो सारी चीजें मैं कर लूंगी, लेकिन सिर्फ उसकी एक ही कंडीशन, दो कंडीशन है कि उसके घर पे रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें मतलब चोदने का मन है तो वो तुम्हारे लिए मतलब लड़की ऑनलाइन वो बुक करेगी और वो खुद लड़की को घर पे लेके आएगी और उसके सामने ही तुम्हें मतलब चुदाई मचानी है। ठीक है, तो उसकी ये कंडीशन है। तो यार मैं परेशान हूं, मैं परेशान इसलिए हूं कि यार मतलब बहनचोद आजकल मतलब तुम गरीब लोगों में ये होता है एक्चुअली कि तुम गरीब लोगों में गर्लफ्रेंड फोन चेक करती है, बीबी या बहन चोद फोन चेक करती रहती है, बीबी को छोड़ के तुम जा नहीं सकते कहीं, बहन चोद बीबियों के तुम लोग गुलाम बन के रहते हो। और देखो यहाँ पे बहन चोद क्या ट्रेंड चल रहा है, लड़की बोल रही
है कि बहन चो मैं तो हैफ मिलियन डॉलर कमाती हूँ, अगर मुझे लड़का चाहिए तो मेरी सारी कंडीशन उसको माननी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने उसको ये पूछा, मतलब बातों बातों में मैंने बोला चलो तुम तो वर्जिन रहना चाहती हो, लेकिन क्या तुम अपनी चूत मुझे दिखाओगी? तो उसने मुझे बोला कि हाँ वो तुम देख सकते हो दूर से, मतलब 2-3 फीट दूर से, राइट। मैंने बोला भाई तुम बोल रही हो कि तुम वर्जिन हो, लेकिन गारंटी क्या है उसकी? तो उसने बोला कि भाई मेरे सारे रिपोर्ट्स मैं तुम्हें दिखाऊंगी डिटेल्स में, और सारे प्रूफ मैं तुम्हारे सामने रखूंगी, अगर तुम मतलब के मुझे अपनाते हो तो ये मेरी कंडीशन है, ठीक है। तो इसीलिए यार मैं पिछले एक महीने से बहुत परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब भाई देखो, जो अच्छे से कोई बात करेगा उसको ही ऐड करूंगा मैं, ठीक है। फालतू की कोई बातें चोदेगा उसको मैं नीचे फेंक दूंगा। तो जो कोई अच्छा सजेशन देना चाहता है उसको मैं ऐड करूंगा, ठीक है, कि जो मुझे अच्छा सजेशन दे पाए। भाई बताओ क्या करना चाहिए मुझे? थैंक यू, थैंक्स, हाउ गुड। मैंने 2-3 मेरे हरामी दोस्त है, मैंने उन लोगों को पूछा, तो एक बंदे ने, मतलब मेरे दोस्तों ने मुझे ये बोला कि सही में बैंचोद, मतलब पिछले जन्म में तूने बहुत ही अच्छे कर्म किए होगे, मतलब के पिछले जन्म में है ना भाई, तूने बहन चो 1,000 गाय का तूने दान किया होगा, तब जाके तुझे बहन चो ऐसी बीवी मिल रही है कि जो खुद बोल रही है कि मेरे सामने चुदाई मचाओ लेकिन मुझे मत छुओ। मतलब बहन चो हर रोज, मतलब कभी काली आ रही है, कभी गोरी आ रही है, कभी चाइनीज आ रही है, बहन चो मतलब जिंदगी के फूल मजे ही मजे, ठीक है। अब जो बंदी अब फोन बोन चेक करना वो तो दूर की बात हो गई, तो वो लोग बोल रहे हैं कि साले नाइकी और पूछ मतलब मत वेट कर, और वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इसी मतलब इसी मंथ में या तो नेक्स्ट मंथ में तू शादी कर ले और भाई उसके साथ सेटल हो जा। वैसे भी मतलब दुनिया के सामने लगेगा कि भाई तू शादीशुदा है, तेरे माँ बाप को भी तसल्ली हो जाएगी कि हमारा लौंडा चलो भाई अब पारिवारिक जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक्चुअल में तू बैचलर ही रहेगा। तो इसी मतलब बहुत दिनों से मेरा दिमाग जो है ना, मतलब यार बहुत परेशान हूं मैं परेशान इसलिए हूं कि पूरी जिंदगी भर भाई मुझे मतलब उसको सिर्फ देखना ही है और चुदाई बाहर मचानी है। चलो भाई किसी मतलब अच्छे बंदे को ऐड करता हूं मैं, जो मतलब ये बात को एक्सप्लेन कर पाए, इसको ही ऐड करता हूं मैं, क्योंकि ये बंदा एक हिजड़े को राइट देता है, हिजड़ों के साथ इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, इसको सांसारिक और पारिवारिक लाइफ का पता है, तो इससे ही पूछते। बोलो तो देखो भैया, अभी मैंने तुम्हें मतलब मैंने जो जो बोला वो बातें तुमने सुनी तो सुनी मैंने। अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक शादीशुदा बंदे हो, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? मैंने शादी की है भैया 9 मंथ हुए। अच्छा, 9 अभी मतलब तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है। और मैंने लव मैरिज की है, 9 महीने हुए, सामने 2 बच्चे हैं।
नौ महीने में दो बच्चे कैसे हो गए यार, कुछ भी बकचोदी। मेरे बच्चे नहीं है तो? जो सामने हस्बैंड था ना, जो इसका जो हस्बैंड था ना, जूना वाला हस्बैंड, इसका जूना वाला जो हस्बैंड था ना, उसके दो बच्चे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि तुमने शादी की है तो शादी से पहले तुम्हारी वाइफ को ऑलरेडी दो बच्चे थे? हाँ, और उसके साथ उसने डिवोर्स लिया है और मेरे साथ शादी की। अच्छा, तो तुम दोनों को, मतलब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे प्यार कैसे हुआ? मतलब ये ऑटो रिक्शा में, मतलब ऑटो रिक्शा से प्यार हुआ था तो? ये मेरा घर है। हाँ, ये जो मैं रहता हूँ ये मेरा घर है। हाँ, उसके बाजू में मेरी वाइफ रहती थी। तो उसका, तुम्हारी वाइफ का हस्बैंड भी उधर ही रहता था? हाँ, उसमें मेरे को प्यार हो गया और उसको प्यार हो गया। मतलब तुम्हारे घर के बाजू में ही ये, आपकी वाइफ का नाम क्या है? मुझे अच्छा नहीं लगता नाम लिए बगैर बात करना। रंजन नाम है, रंजन। अच्छा, तो ये जो रंजन बहन है वो आपके घर के बगल में ही रहती थी? रंजन बहन के दो लड़के है और रंजन बहन को आपके साथ प्यार हो गया? यस। मतलब क्या सिचुएशन क्या बनी थी? मतलब के तुमने मतलब वो होता है ना कि भाई रंजन बहन को तुम्हारा अट्रैक्शन हो गया था, मतलब तुम इतने खूबसूरत हटके कट्टे नौजवान हो। हम उसका उसका हस्बैंड था ना जो जूना। हाँ, उसका जो जूना हस्बैंड था और मैं। हाँ, था, और ये हम एक साथ खाना जाते थे। अच्छा, मतलब हस्बैंड तुम और ये रंजन बहन, तुम तीनों साथ में खाना खाने जाते थे? हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? उसमें ये रंजन को हो गया प्यार, उसने मांगा मेरे से नंबर। मतलब ये रंजन बहन ने ही तुमसे, मतलब तुम्हारा नंबर मांगा के नंबर दियो? जी 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 जी। अच्छा, फिर हमने व्हाट्सएप चैटिंग पे बात की, बात करते करते हमको लव हो गया, फिर हम मिले, होटलों में मिले, फिर हम लास्ट एंडिंग में भाग गए। 7 साल की लव स्टोरी है। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि रंजन बहन ने उनके जो पहले पति थे उनको बताया नहीं था कि भाई मैं तो, मतलब मैं प्यार करने लगी हूँ? नहीं बताया था। अच्छा अच्छा, तो फिर उनके पहले हस्बैंड को कैसे पता चला कि तुम दोनों अफेयर में हो? हम मैसेज में 2 बार पकड़े गए। अच्छा, रंजन बहन के पति ने रंजन बहन को 2 बार पकड़ लिया? तो फिर वो बंदे ने तो तुम्हें बहुत पीटा होगा यार, तुम तो घर के बाजू में ही रहते हो। पनौड़ी भाई, हम वहां से दूसरे दिन ही भाग गए थे सुबह, जैसे ही पता लगा ना। हाँ, दूसरे दिन भाग गए। मतलब इस तुम्हारी वाइफ के पति को जब पता चला तो उसके दूसरे ही दिन तुम वहां से भाग गए? दूसरे ही दिन रात को बहुत झगड़ा हुआ था, रात को बहुत पुलिस आई थी, बहुत आया था। ओ बहन चोद, पुलिस भी आ गई थी? सब आ गया था, हमको पुलिस स्टेशन के अंदर रात को डाला भी था। लड़की ने मेरे बाजू बोला, लड़की घर आ गई, मैं घर आ गया। उसके बाद मैंने, उसके पास छोटा फोन था तिजोरी के अंदर, पर्सनल, जो उसका पर्सनल था और किसके पास नहीं था, मेरा ही नंबर था। उसमें मैंने उसको कॉल किया, सुबह भाग जाएंगे, और सुबह भाग गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब के तुम लोग दोनों भक्के की मतलब कहाँ गए थे तुम दोनों? हम पाटन गए थे, पाटन, रानकी की वाव है पाटन। पाटन मैंने सुना है, गुजरात में है। हाँ हाँ, रानकी की वाव गए थे। तो वहाँ बाहर तुम कितने दिन रहे फिर? हम 10 दिन रहे थे। फिर 10 दिन के बाद क्या किया तुमने? 10 दिन के, हमारा कोर्ट केस चल रहा है अभी भी। किस चीज का? सामने वाले के बच्चे के हिसाब से हमारा कोर्ट केस चल रहा है। इसके जो दो बच्चे हैं ना, उसके अंदर मैं आपको कागज भेजूंगा, आपको विश्वास आ जाएगा। अच्छा, तो अभी ये जो दो बच्चे हैं ये रंजन बहन के, वो किसके पास, किसके दौरे हैं? मतलब तुम्हारे दौरे हैं कि सामने वाले के दौरे? जूने हस्बैंड के पास है। हमने बहुत कोशिश की थी मांगने की, पर ये लोग ने कोर्ट केस किया उसके अंदर। अरे पागल है क्या, मांगने की कोशिश कर रहा है साले, फसाद की जड़ गई ऐसा सोच, सही बात, तो दूसरे बच्चे पैदा कर।
सटका गया है क्या तू? ये मेरी वाइफ ऐसा बोलती थी, दो बच्चे हो गए तो अच्छा। अरे दो बच्चे मतलब देखो, बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, भगवान का आशीर्वाद होते हैं। तो जब दो बच्चे रंजन बहन ने उसके पति को दे दिए, तो तुम्हें अब ये बोलना चाहिए कि देखो भाई, तुम तुम्हारे बच्चों के साथ खुश रहो, हिफाजत रहो, सही सलामत रहो, नई शादी करो, ठीक है? मैं अपने बच्चे भाई ये बाजीराव सिंघम खुद पैदा करेगा, तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए। तुम कहाँ मतलब वो मतलब उसको लाने का सोच रहे हो? तुम तो यार मतलब कई भाई देखो, जी 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 तुम्हें देखो, शादीशुदा जिंदगी तुम्हें अच्छे से जीनी है, तो जो बंदा है उसको बोलो कि देखो भैया, तुम अपने बच्चे अपने पास रखो, उनको मतलब अच्छा पढ़ा लिखाओ। हाँ, अगर रंजन को मिलना है उसके बच्चों से तो वो मिल सकती है, मिलने में क्या है? वही के उसके लिए ही केस चल रहा है पनौड़ी भाई, उसने सामने से केस किया है हमारे पे कोर्ट के अंदर। दुश्मनी निभानी है, बदला उसको, है। उसको क्या लेना है बदला हमारे से, दुश्मनी निभानी है उसको। यार अब दुश्मनी का तो सवाल ही मैं नहीं होता, मतलब देखो अब रंजन को तुम्हारे अंदर तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यार। भाई अब वो रंजन को एक हिजड़े की रिक्शा चलाने वाले के अंदर अपना रब दिखा तो भाई क्या कर सकते हैं बताओ? मतलब ये रंजन उसको सब पता थी, मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ, सब पता थी। मतलब ये रंजन बहन को पहले से पता था कि तुम हिजड़ों की सवारी लेते हो? सब पता थी, सब पता थी, सब मैंने सब सबको सब बता के किया है। अच्छा अच्छा, तो जब मतलब तुम भग गए, तुम मतलब घर से ये रंजन बहन को लेके तुम 2-3-5 हो गए, तो तुम्हारी फैमिली का रिएक्शन क्या था? कुछ भी नहीं ना, मेरी फैमिली को भी पता था, मैंने मेरी फैमिली को बोल ही दिया था मैं ये लड़की के साथ ही शादी करूंगा। अच्छा अच्छा, तो फिर लेकिन ये रंजन बहन की फैमिली ने रंजन बहन को कुछ बोला नहीं? मतलब के कहाँ कहाँ पे मुंह काला करवा के आती है, तूने तो हमारा नाम मिट्टी, ऐसा कुछ हुआ नहीं? वो लोग नहीं बुलाते हमारे को, मेरी फैमिली मेरे को बुलाती है। अच्छा अच्छा, मतलब रंजन बहन की फैमिली ने रंजन बहन को नहीं बुलाते अभी? नहीं नहीं, किसको भी नहीं बुलाते, मेरी फैमिली बुलाती है खाली मेरे। अच्छा 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 अच्छा, यार सही में मतलब तुम्हारी तो लव स्टोरी बहुत ही यूनिक लव स्टोरी है के मतलब 7 साल से मेरी लव स्टोरी थी, मैं अभी बगाऊ 9 महीने हुए और मैं तुमको सब कागज भेज दूंगा, पागल हो जाओगे पढ़ के। भाई बताओ लोग प्यार प्यार के लिए क्या नहीं करते? अब मैं आपको सब कागज भेज दूंगा, कोर्ट के कागज मेरे अंदर तिजोरी के, आप बोलते हो ना, देखो ये मैं आपको बताऊ, देखो ये बजाज की गाड़ी की चाबी, एक दो गाड़ी है मेरे पास, दोनों बजाज की रिक्शा है, एक ड्राइवर चलाता है, एक मैं चलाता हूँ, देखो। अच्छा अच्छा, आपको रिक्शा देखनी हो तो दोनों नीचे बताऊँ, दोनों पड़ी है। नहीं 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 भाई, तुम एक सच्चे इंसान हो, मतलब मुझे यकीन आ गया तुम्हारी बात। एक बार एक दूसरी दो, देखो दोनों बजाज की गाड़ी है, एक ड्राइवर चलाता है, एक मैं चलाता हूँ, सबको सबको पता है मैं मासी की गाड़ी चलाता हूँ, हिजड़ों की गाड़ी चलाता हूँ पहले से। अरे पैसा बोलता है, पैसा चाहिए दुनिया के अंदर, रोज 1500 रुपया कमा के देती है, क्या चाहिए पनौड़ी भैया? पढ़े लिखे भी 42,000 नहीं कमाते। नहीं नहीं, ये बात तो भाई है, पैसा बोलता है, पैसा चाहिए, पढ़े लिखे भी 42,000 नहीं कमाते, और अपने बने बिने पढ़े लिखे हुए अपने 45,000 रोज के 1500 रुपए एक गाड़ी के देते है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं तुम्हें एक खुफिया सवाल पूछता हूँ, देखो डर मत जाना, ठीक है? और जो भी तुम बोलोगे वो सच बोलोगे, सच के सिवा तुम कुछ नहीं बोलोगे, और जो भी बोलोगे ये रंजन बहन के सामने बोलोगे, ये 400 लोगों के सामने तुम बोलोगे, ठीक है? जी। तो अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने रंजन बहन के साथ शादी मना कर तुमने कोई गलती कर दी, या तुम्हें कोई पछतावा हो रहा हो, या तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि रंजन से अच्छी लड़की तुम्हें मिल सकती थी, अब तुम फंस गए हो, कहां यार ये दो दो बच्चों का मैं मतलब फ्री फंड में ही मतलब उन लोगों का एजुकेशन और सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी, ऐसा तुम्हें ख्याल आता है कभी? हाँ आता है ना पनौड़ी भैया, कभी कभी ख्याल आता है, कभी कभी थोड़ा बोरिंग हो जाता हूँ, मतलब
मतलब तुम्हें लगता है कि जैसे पहले तुम मतलब जैसे पहले तुम सुबह में आजाद था पहले, वो आजादी सब चली गई है बनोरी भाई। अच्छा। आई हैव टू रेड, लेट मी सी। अच्छा तो मतलब अब तुम्हें लगता है ऐसा कि भाई शादी की अभी तुम्हारी एज नहीं थी, अभी तुम्हारी लव स्टोरी 2-3 साल चलती तो मतलब थोड़ा जिंदगी में रसमकस होती, जिंदगी में थोड़े मजे आते, ऐसा लगता है तुम्हें? लव स्टोरी होती है, शादी नहीं करनी चाहिए, तो शादी नहीं करनी। अभी तुम पछता रहे हो? हाँ मैं पछता रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं पछता रहा हूँ। शादी नहीं करनी चाहिए, सिंगल ही रहना चाहिए हमेशा। आजादी लड़की ले ले, शादी के बाद सब आजादी अपनी चली जाएगी। अच्छा। तो अब जैसे कि मेरा एग्जाम्पल, अभी तुमने सुना कि जो मुझसे एक लड़की है जो इसके लिए मेरा रिश्ता आया है, वो लड़की ये चाहती है कि मतलब वो बहुत ही पैसे वाली है, लेकिन उसकी ये कंडीशन है कि पूरी जिंदगी भर मतलब मुझे उसके साथ सेक्स नहीं करना है, लेकिन उसके सामने मैं दूसरी लड़कियों के साथ मजे मार सकता हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको ये है कि उसको पूरी जिंदगी मतलब अपनी बॉडी को किसी को भी टच नहीं करने देना है, तो क्या मुझे उस लड़की से शादी करनी चाहिए? जी मनोड़ी भाई, सबसे बेस्ट है ये ऑप्शन, करनी चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, करनी चाहिए, इतनी आजादी मिलेगी तुमको। अच्छा। तो मतलब इतनी आजादी मुझे मिल रही है, तो मुझे उसी लड़की से शादी करनी चाहिए? पनौड़ी भाई जी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, सबसे बेस्ट। ऐसी लड़की मेरे को मिले तो मैं कल सुबह शादी कर लूं। तुमने तो यार ये रंजन बहन की जिंदगी का मतलब तुमने तो रंजन बहन की जिंदगी खराब कर दी बेचारी, वो तुम्हारे भरोसे तुम्हारे घर पे आके बैठी। वही तो बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट लड़की है आपके लिए। अच्छा। तो अगर रंजन बहन कल को अपने पति के पास वापिस जाना चाहे तो तुम जाने दोगे उसको? नहीं, जाने दूंगा। यार अभी तो तुम बोल रहे हो कि तुम बोर हो गए, अभी तो तुम बोल। वो तो एक जस्ट टॉकिंग कर रहा हूं मैं आपके साथ। अच्छा। मतलब अब तुम तुम्हारी रज्जो को कभी नहीं जाने दोगे? बनोड़ी भाई, कोर्ट केस चल रहा है, मैं जाने भी दूंगा तो मेरे को 7 साल अंदर जाना है। मतलब अगर तुमने रज्जो को नहीं जाने दिया तो तुम्हें 7 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा, मैं आपको कागज भेजूंगा। मैंने मैंने कराया है लिविंग, जो लिविंग करार होता है ना, लिविंग करार इंडिया के अंदर है, लिविंग, हाँ। उसके अंदर मैंने मैरिज की है। यार मुझे तो, नहीं लेकिन अभी ये तुम्हारी रज्जो का डिवोर्स नहीं हुआ? नहीं हुआ है, नहीं नहीं हुआ है पनोड़ी भाई, नहीं हुआ है। अच्छा मतलब कि रज्जो का डिवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी रज्जो तुम्हारे साथ रह रही है? जी, पनोड़ी भाई, मैंने लिविंग लिविंग करार कराया है। लिविंग करार है इंडिया के अंदर, नया आया है लिविंग करार, इसको आए कम से कम 5 साल हुए। लिविंग रिलेशनशिप होता है, लिविंग रिलेशनशिप हाँ। अंदर मैंने उसके वो कागज बनवाया, मैंने अच्छा कोर्ट केस चल रहा है, उसका बोल रहा हूँ। तो तुम्हें तुम्हें फिर क्यों 7 साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा? कभी मैं कोर्ट के अंदर केस हार जाऊं तो मेरे को 7 साल जेल जाना पड़ेगा। मैंने इनलीगली किया है, लीगली नहीं किया है, इनलीगली किया है ये। अच्छा। मतलब कि वो लड़की का डिवोर्स हुआ नहीं और तुमने फिर भी इस लड़की को मतलब अपने घर में रख रहे हो, ये लीगल नहीं है? जी, लीगल नहीं है। और मैंने बीओस की फाइल भी चार्ज कर दी है कोर्ट के अंदर, बीओस अच्छा। की फाइल भी मैंने चार्ज कर दी है कोर्ट के अंदर। हमको डीओज भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। हम हर तारीख पे जाते हैं कोर्ट के अंदर। यार देखो मैं तो यही बोलूंगा, जी मेरा तो यही कहना है कि देखो भाई रिक्शा वाले भैया, जी तुम सिंगल थे, जी उसमें ही तुम्हारा मतलब अच्छा सब कुछ चल रहा था। जी सही बात, जी सुबह में उठे
लेकिन अभी तुमने मतलब ये मुसीबतों का पहाड़ तुमने अपने सर पे ले लिया। देखो अगर देखो मैं एक सच्चा इंसान हूँ, देखो अगर लड़की लड़की कमाती धमाती हो, लड़की मतलब महीने के 2-4 लाख रुपए कमा रही है, या तो लड़की मतलब बहुत ही खूबसूरत है, या तो ऐसी लड़की तुम्हें ढूंढने से भी ना मिल पावे, अगर ऐसी लड़की के लिए तुमने मतलब इतना सारा लड़ाई झगड़ा कॉम्प्रोमाइज किया होता तो बातें समझ में आती है। लेकिन देखो भैया बुरा मत मानना, रज्जो और तुम दोनों में तुम खूबसूरत लगते हो, तुम्हें मतलब देखो रज्जो और तुम दोनों में है ना मतलब तुम खूबसूरत लगते हो, तो तुम्हें मतलब है यार तुमको तो ये मतलब देखो ये रज्जो ने तुम्हें फंसाया है, अब तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही है। सही बात है। तो रज्जो को ऐसी क्या चीज थी जो उसके पति से नहीं मिल रही थी और तुमसे मिल रही थी, कुछ तो चीज होगी ना। पनोड़ी भाई वो पूरा सटोड़िया था और 24 घंटा देसी दारू पीता था। अच्छा मतलब जुआ और दारूबाज था। ₹60 का पकवा नहीं मिलता है मनोरी भाई, यहाँ जो 30 रुपए की थैली मिलती है वो दारू पीता था वो, यहाँ 60 वाला पकवा भी नहीं मिलता है, मिलता है पर बहुत कम मिलता है। अरे लेकिन ये दारू पीना जुआ खेलना ये तो अमीरों के खेल होते हैं, अमीर लोग करते हैं ये सारी चीजें। मनोरी भाई वो सटका मटका आता है। अच्छा अच्छा मतलब मटकेबाज था वो। बताओ भाई रज्जो की शादी मटकेबाज से हो गई, मतलब क्या रज्जो तुम्हारी किस्मत है, पहले सट्टेबाज और उसके बाद ये ऑटो रिक्शा वाला, मतलब रज्जो की भी किस्मत है ना, भगवान ने बहुत ही खूब लिखी है रज्जो तुम्हारी किस्मत। यार देखो अब ये कहाँ गया, रज्जो अभी कब से रज्जो लिख रही थी कि ऐड करो ऐड करो, आओ रज्जो बाबू ऐड तो कर रहा हूं। दारू और जुए की बात आई तो इसी बात पे एक तुलसी पेलते हैं। दारू और जुए की बात आई तो चलो उसी बात पे एक तुलसी को पेल लेते हैं। चलो किसको ऐड होना है अब, पुलकित पंडित आ जाओ भाई, पुलकित पंडित आ जाओ। पुलकित पंडित लेकिन यार ये भगा के शादी करने में मजे जो है ना उसके मजे ही कुछ अलग है। बहन चो चलो भाग चले, बहन की चूत मतलब माँ बाप को पता नहीं है, पूरा प्लान बन चुका है, फिर बहन चो आधी रात को लड़की को लेके भगना, बहन चो मतलब होटलों में रुक रहे हैं, कभी कभी धर्मशालाओं में रुक रहे हैं, कभी कभी सड़कों पे बहनचोद रुक रहे हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं,
पैंचो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, गांव वाले लड़की के माँ बाप के ऊपर थूक रहे हैं, क्या कमजात औरत निकली तुम्हारी बेटी बहन चोत, मतलब मजे ही मजे इसकी बहन की चूत इसकी। लड़की बोल रही है कि बाबू मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, लड़का बहन चोत फिर 2 महीने बाद बोलता है कि तेरे बहन की चूत तेरी, मैं तो पछता रहा हूँ तुझसे शादी करके, इसे तो अच्छा अकेला मैं कुंवारा ही था, कहाँ मतलब मैंने ये बहन चोत चूत के चक्कर में इतने सारे प्रॉब्लम सॉरी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली। बहन चल, लड़का मतलब बोल रहा है कि भाग यहाँ से, लड़की बोल रही है कि अब मुझे कोई नहीं अपनाएगा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अपना लो मुझे, लड़का लात मार रहा है, मजे ही मजे इसकी बहन की चूत, मतलब लड़की हाथ पैर जोड़ रही है, बोल रही है कि तुम धोखेबाज हो बहन चोद, तुम रंडी बाज हो, जब लड़की बोलती है ना कि तुम रंडी बाज हो, लड़का बोलता है कि बहनचो मजे ही मजे जिंदगी के, क्या बात है बहनचो, खुद की ही गर्लफ्रेंड बोल रही है कि तुम एक रंडी बाज हो बहनचो, मतलब लड़की माँ बाप के घर जाती है, बोलती है कि पापा मुझे फिर से अपना लो, बाप लात मार के बहनचो उसको घर से निकाल देता है कि भाग तेरे माँ की चूत तेरी, जा तेरे आदमी के पास जिसके चक्कर में तूने पूरी बिरादरी के सामने हमारा मुंह काला करवाया था, बाप भी लात मारता है, इस तरफ से पति भी बहनचोद गालियां देता है, बोलता है कि बहनचोद तेरे चक्कर में जिंदगी का भोसड़ा हो गया, बहनचोद ये बीबी पैसे मांगती है कि घर में खाने को दाने नहीं है, पैसे दो पैसे दो, ये बोलता है कि बहन की लोरी कहां से लाऊं पैसे, मेरे पौवे के ही पैसे नहीं निकल रहे, ना तो मेरे जुए के पैसे निकल रहे, कहां से लाऊं पैसे, फिर बहन चोद मतलब दोनों में मार कुटाई, आजू बाजू वाले के मजे ही मजे, जैसे ही मार कुटाई शुरू होती है आसपास वाले बहन चोद आ जाते हैं समझाने के लिए कि बहन चोद ऐसा मत करो ऐसा मत करो, जिंदगी को अच्छे से जियो, आसपास वालों के और बहन चो मजे ही मजे, फालतू की पिक्चर देखने को मिल रही है आसपास वाले को, बहन चो मतलब यार शादी करो तो पक्के ही करना, शादी करो ना तो पक्के ही करना, तभी जिंदगी के असली मजे ही मजे ही आएंगे। शादी करो भाई तो पक्के ही करना, पंचो एक बात मैंने देखी है, इंडिया में लोग इतने मजे लेते हैं ना, मतलब इतने लोग मजे लेते हैं इंडिया में, मैंने देखा हुआ है खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, मतलब समझो मतलब इतने मजेदार लोग हैं, इतने खाली लोग हैं, इतने वेले लोग हैं, मतलब मजे ढूंढ लेते हैं ये लोग, बताता हूं कैसे। जैसे भाई तुम लोग है ना ऐसे सड़क पे चल के कहीं जा रहे हो, समझ लो तुम्हारे साथ भी हुआ होगा और तुम लोग भी माधवचोदों ने मजे लिए होंगे, मैंने भी लिए है। अब तुम सड़क पे मतलब ऐसे जा रहे हो दोस्तों की यारों दोस्तों के साथ बात करते करते ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब होठों पे सॉन्ग चल रहे है, 2-3 लोगों की यारों दोस्तों की बकचोदी चल रहे है, सड़क पे चल रहे हो ऐसे ही, राइट, करने को कुछ है नहीं इसकी माँ की चूत इसकी, जैसे ही मतलब के सड़क के किसी किनारे से मतलब आवाज आई गाली गलौज की, मतलब बड़ी बड़ी आवाज आई सड़क के किनारे से किसी भी जगह से, भाई हम लोग वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब झगड़ा किसका हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो दोनों कौन है भाई, वो दोनों क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, हम ऐसे ही खड़े हैं,
और देगा गाली देखना, नहीं 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 वो जीतेगा वो जीतेगा, और देगा ये चार गाली, नहीं 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 उसकी आंखों में गुस्सा है यार, अभी देखना वो कुछ निकालेगा मारेगा उसको, ठीक है। ऐसे लोग, और उसमें भी जो उन दोनों को जानते भी नहीं है, जो लोग उन दोनों को जानते भी नहीं है, वो लोग बीच में आके अरे जाने दो भाई साहब, मतलब ऐसे ही पकड़ रहे, अरे जाने दो भाई साहब, गलती हो गई लौंडे से जाने दो, और सामने वाला लौंडा उछल उछल के तेरी मां चोद दूंगा बहन के लंडी, अब उसको भी दो तीन लोगों ने पकड़ा हुआ है, अब जिन लोगों ने पकड़ा हुआ है उन लोगों को मैटर का पता भी नहीं है, उन लोगों को पता भी नहीं इन दोनों का नाम क्या है, फिर भी ये लोग इन दोनों को पकड़ रहे हैं, और कुछ लोग हरामी लोग जो होते हैं, अरे छोड़ दो बहन के लंडो को, लड़ने दो इसकी माँ की चूत, इन लोगों का रोज का है, रोज का है भोसड़ी के, तू जानता भी नहीं है इन लोगों को और रोज का जो इतने खा ऐसे एक दूसरी बकचोदी बताता हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ, थैंक यू, थैंक्स मैन, हाउ गुड डे, गुड टू सी यू ब्रो, देख लो भाई 7 सीरीज BMW वेंचर कार नहीं है ये पूरा प्लेन है, अब एक दूसरी बकचोरी बताना हूं तुम लोगों को भाई, सही में इतने मतलब वेल्ले लोग हैं इंडिया में कि बैंजो इसका कोई मतलब कोई तोड़ नहीं है, एक दूसरी बकचोरी बताना हूं, जब इंडिया में ये KBC स्टार्ट हुआ था ना, KBC ये बोल रहा है मत बताओ, ओके तो भाई तुम ब्लॉग पे जाओ, बताऊंगा मैं लोगों को, तू ब्लॉग भोसड़ी के नहीं सुनना है तो भी मादर चोद मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा,
और सुनो, क्यों नहीं सुनोगे बहन के लौड़ो तो? भाई इंडिया में है ना, और मैं ये जो सारी बातें बता रहा हूं ना, वो भाई तुम लोगों ने खुद करी होगी, ये कोई हवाबाजी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूं, तुम लोगों ने भी करी होगी। जब इंडिया में केबीसी स्टार्ट हुआ था, सबसे पहला केबीसी जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तब रात के 9 बजते ही सब लोग मतलब वो स्टार प्लस पे आता रहा ना शायद उस टाइम पे, हाँ स्टार प्लस पे आता रहा वो, रात के 9 बजते ही सारे घर वाले मम्मी पापा चाचा ताऊ ये वो सारे लोग टीवी के सामने, सब लोग जब पहला केबीसी आया था ना तब, ठीक है, जैसे ही अमिताभ बच्चन ने क्वेश्चन पूछा सामने वाले जो सीट हॉट सीट पे जो बैठा हुआ था उसको, के बताओ भैया इंडिया का नेशनल खेल कौन सा है, नंबर 1 क्रिकेट, नंबर 2 वॉलीबॉल, नंबर 3 कबड्डी और नंबर 4 खो खो, ठीक है। अब वो जो सामने वाला जो बैठा है राइट, वो तो मतलब चलो वो तो मतलब जवाब देगा ही देगा, लेकिन जो घरों में ये जो 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 लोग केबीसी देख रहे हैं वो लोग 3 नंबर सी 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 कबड्डी है, कबड्डी है, कबड्डी पे क्लिक कर, कबड्डी बोल, कबड्डी बोल, कबड्डी बोल, कबड्डी बोल, यार कबड्डी है पापा, ये कबड्डी है हमारा नेशनल खेल पापा। भैनचोद मतलब घरों के अंदर लड़ाइयां हो जाती थी, एक बोलता था नहीं नहीं सी है, तो कोई बोलता था नहीं नहीं डी है, डी है, लगा लो सर, इंटरनल सरटे लगती थी जब पहला केबीसी आया था ना, इंटरनल सरटे लगती थी, कोई बोलेगा ए है घर वाला, कोई दूसरा घर वाला बोलेगा नहीं नहीं बी है, मतलब सब लोग उस टाइम पे वो एक घंटे का जो कार्यक्रम आता था वो कार्यक्रम के अंदर एक घंटे में सारे घर वाले है ना ज्ञानी और नॉलेज वाले बन जाते थे। डी पे डी 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 पे लॉक करो, डी डी, अरे यार क्या किस, अरे यार किसको बिठा दिया है अमिताभ बच्चन ने, मुझे बिठा देता यार, मैं जवाब दे देता, मुझे बिठाना चाहिए था। और इतने सबसे मजे तब आते थे अगर सामने वाला चूतिया होगा और इतने आसान तरीके का जो सवाल है उसमें भी मानो कि वो सामने वाले ने लाइफलाइन ले ली, सामने वाले ने बोला कि भाई मैं फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहूंगा, ठीक है भाई फोन ऑफ फ्रेंड हुआ। अब सामने वाला, अब वो जो चूतिया इतने आसान सवाल का जवाब नहीं दे रहा उसका दोस्त भी चूतिया ही होगा, अब वो भी उसको है ना कंफ्यूज करेगा, लग रहा है ए या सी, या तो क्रिकेट हो सकता है या तो कबड्डी हो सकता है, फिर वो फोन पे पक्का ना, उसने बोला कि देखो यार पक्का तो नहीं है लेकिन ए और सी हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है, उसमें वो जो 30 सेकंड का 50 सेकंड का जो टाइम था वो समाप्त हो जाता है, फिर ये भोसड़ी का लेता है दूसरी लाइफलाइन, दूसरी लाइफलाइन ये बोलेगा 50-50, उसमें से दो गलत ऑप्शन निकल जाएंगे। जैसे जैसे ये लाइफलाइन का इस्तेमाल करता जाता है, ये पूरे इंडिया के घर में जो केबीसी चलती थी ना, यार बताओ इतने महीनों से मैं फोन कर रहा हूं मेरा नंबर आता नहीं है और इस चूचे को बिठा दिया सीट पे, इतने आसान के सवाल में ये लाइफलाइन पे लाइफलाइन लिए जा रहा है, बताओ इसको इतना नहीं पता है के बहन चोट मतलब इसका जवाब कबड्डी है, बताओ। अब ये इसके बाद ऑडियंस पोल करवाएगा, ऑडियंस पोल में वो लोग रिमोट लेके वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे इतने वो केबीसी
वही सही में वो केबीसी में है ना, मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, जब पहला सेशन शुरू हुआ था ना सीजन, पहले सीजन में मैं बहुत छोटा था। तो ये सारी बकचोदिया है ना, ये सारी बकचोदिया हर एक घर में चलती थी, इतने वेले लोग हैं हम बैंच। बताओ अपना ओपिनियन पोल बैंक घरों के अंदर ही ये लोग दे रहे एक दूसरे को, देते रहो मादर चोट, पब्लिक का क्या जाता है, करना तो हमें टाइम पास ही है जिंदगी में, एक दिन निकल लेंगे अच्छा टाइम देखकर। खुद के पोल साले हिले हुए हैं, लेकिन इनको पोल में वोटिंग करनी है बहन के लड़ों को। चलो भाई आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हुए अब मैं तुम सब लोगों से आज्ञा लूंगा, तुम सब लोगों से अब मैं रजामंदी चाहूंगा। सब लोग मुझे नीचे जाने की आज्ञा दो, सब लोग नीचे लिखो कि अब जाओ बनौली भैया आराम करो, लिखो नीचे ऐसा। जिसने नहीं लिखा ना मार्डर चोट ब्लॉक करूंगा सबको, लिखो नीचे। चलो भाई सब लोगों ने आज्ञा दे दी गालियां बोल के, बाय।